नमस्कार, मैं लक्ष्मी सिंह सी लॉर्ड न्यूज की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट न्यूज में। आज 1 फरवरी है, आज से 7वें दिन चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सत्ता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश का चुनावी फ्लेवर जानने की कोशिश करते हैं। भाजपा केंद्रीय मंत्री व सपा अध्यक्ष होंगे आमने सामने। भाजपा ने अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से सत्यपाल सिंह बघेल को उम्मीदवार बनाया है। बघेल ने 31 जनवरी सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि ये थोड़ा सा अटपटा है क्योंकि बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर करहल सीट से किसी को भी प्रत्याशी बनाने की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की थी। बघेल इस समय आगरा से विधायक है। कभी यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह की सुरक्षा में तैनात रहने वाले बघेल केंद्रीय सरकार में इस समय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री हैं। बघेल और यादव की इस रणनीति के सहारे भाजपा करहल में सियासत की करवट बदलना चाहती है। तब बाद में बीजेपी के अलावा अन्य सभी पार्टियों ने खड़े किए मुस्लिम प्रत्याशी। मुरादाबाद में मुस्लिम वोटरों की संख्या को देखते हुए बीजेपी के अलावा अन्य सभी राजनीतिक दलों ने यहां से मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर मेन पार्टीज की 39 प्रत्याशियों में से कुल 32 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय के हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इस जिले में इतने मुस्लिम प्रत्याशियों के होने से कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों में सेम लगने की उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि हिंदू मुस्लिम मतदाताओं की लगभग समान संख्या वाले इस क्षेत्र में क्या बीजेपी का जीतना आसान होगा या राजनीतिक समीकरणों में उलटफेर नजर आएंगे। वेस्ट यूपी में क्या भाजपा को फायदा पहुंचा रही है बसपा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और रालोद के गठबंधन से जहां भाजपा थोड़ी परेशान नजर आती है, वहीं बसपा भाजपा की परेशानी को कम करती दिख रही है। अब इस चुनावी गणित को समझने के लिए हमें 2017 के चुनावों को समझना होगा। 2017 में सपा और रालोद ने अलग अलग चुनाव लड़ा। यदि उस समय इनका गठबंधन होता तो भाजपा नहीं जीत पाती, पर इस समय जब उनका गठबंधन है तो बसपा मुस्लिम व जाट प्रत्याशियों को खड़ा करके जहां इनके गठबंधन का जोड़ा बन रही है, वहीं भाजपा के रास्ते को आसान कर रही है। अब हम करहल सीट की गणित को समझने की कोशिश करते हैं। करहल यादव बाहुल्य क्षेत्र है, दूसरे स्थान पर शाक्य और तीसरे स्थान पर बघेल और अन्य क्षेत्रीय मतदाता हैं। जातिगत गणित की दृष्टि से यहां की स्थिति हमेशा से सपा के अनुकूल रही है। अखिलेश यादव का यहां से नामांकन भरने का यही कारण था। अब इस जातिगत गणित में भाजपा पलटवार करते हुए जातिगत कार्ड न खेले यह तो नामुमकिन है। सो भाजपा ने यहां से बघेल को उतारा।